हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइट्री डेफिशिएंसी डिजीजेस। सबसे पहले आ जाता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो जरपथैल्मिया जैसी कंडीशन होता है हो जाती है, जिसमें कॉर्निया आपका अल्सरेटेड हो जाता है, ओपेक हो जाता है, क्रेटिनाइज्ड हो जाता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन होती है जिसमें डिम लाइट पे आपको देखने में समस्या होती है। क्योंकि होता क्या है, रॉड सेल्स में रोडोप्सिन की सिंथेसिस कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से बेरीबेरी जैसी स्थिति हो जाती है, जिसमें वेट कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाती है, नर्व्स का डिजनरेशन हो जाता है, भूख कम लगती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो जाती है, उडीमा जैसी कंडीशन भी हो जाती है। विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से क्या होता है, जिलोसिस हो जाती है, जिससे माउथ के कॉर्नर्स पर क्रैकिंग हो जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। नेक्स्ट आता है नाइसिन की डेफिशिएंसी, जिससे पिलेग्रा हो जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लिप्स स्वेल कर जाते हैं या फिर स्किन इरप्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी, जिससे पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, जिसमें रेड ब्लड कॉर्पसल्स न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं जो कि नॉर्मली नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। हीमोग्लोबिन भी कम होता है और रेड ब्लड कॉर्पसल्स आपके बड़े भी होते हैं, इमेच्योर भी होते हैं। जबकि फोलिक एसिड और विटामिन बी वन टू की कंबाइंड डेफिशिएंसी से क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आपके न्यूक्लिएटेड होंगे, इमेच्योर होंगे। आयरन की डेफिशिएंसी की बात करें तो उससे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें रेड ब्लड कॉर्पसल्स का साइज छोटा होता है, उनका नंबर भी कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी कम होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जिससे स्कर्वी नाम की दिक्कत हो जाती है, जिसमें आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकती है, गम्स से ब्लीडिंग हो सकती है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो सकती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, आपके ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है रिकेट्स, जो बच्चों में होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। इसमें क्या होता है, लॉन्ग बोन्स आपकी बेंट हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और पेनफुल स्वेलिंग्स हो सकती हैं आपके एल्बो या नी जॉइंट्स में। नेक्स्ट रहता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर एडल्ट्स में हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशन हो जाती है, जिसमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर और ब्रिटल हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपकी विटामिन के की डेफिशिएंसी, जिससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिससे क्लॉटिंग में टाइम लगता है क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन की डेफिशिएंसी, जिसमें मेनली हम देखते हैं दांतों का डीके हो जाता है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं क्योंकि वो वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी, जिससे गोइटर हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेरेस्मस, जो कि प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, इसमें लिम्स आपके थिन हो जाते हैं, रिब्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, स्किन आपकी रिंकल्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, डायरिया भी हो सकता है, वज़न कम हो जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिससे क्वाशिकोर नाम की डिजीज़ हो जाती है, जिसमें आपको भूख कम लगेगी, आपकी बॉडी और ब्रेन की ग्रोथ इम्पेयर हो जाती है, एनीमिया भी हो सकता है, मसल्स की वेस्टिंग भी होती है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।